स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रुप फाइव। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर थ्री की एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन, विच इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल या फिर मीटर ब्रिज, जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सो, इसमें तीन पार्ट है। सो, पहले फर्स्ट पार्ट देखेंगे हम। इन ए मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर। ये बैलेंस पॉइंट है डी, और ए पॉइंट से या एक टर्मिनल से कितने डिस्टेंस पर फाइंड है 39.5 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितनी होती है इस वायर की, एसी जो वायर लेते हैं हम मीटर ब्रिज में 100 सेंटीमीटर। व्हेन द रेजिस्टेंस वाई इज 12.5 ओम। इसमें कहा है कि जो एनसीईआरटी का डायग्राम है उस डायग्राम को लो आप, लेकिन उस डायग्राम में बने हुए आर और एस, और इस क्वेश्चन में इसने कहा है एक्स और वाई। सो, जो आर है वो है एक्स, और जो एस है वो कौन सा रेजिस्टेंस है, वाई। सो, आप लोग देख लेना ये। When the resistance Y is 12.5 ohm, so ये resistance कितना 12.5 ohm. Determine the resistance X, तो X की value find करनी है, okay? So balance condition क्या होती है Wheatstone bridge की या meter bridge की, this upon this equal to resistance of this wire and resistance of this wire, या this part upon this part. और जब उसको solve करते हैं meter bridge के लिए, so value ये आती है R अपॉन S, या इस क्वेश्चन में क्या गिवन है X अपॉन Y इक्वल टू ये L अपॉन 100 माइनस L, इस तरह से, ठीक है। X की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ X। सो X अपॉन Y कितना गिवन है 12.5, L 39.5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे भी सेंटीमीटर में। सो 100 माइनस 39.5, सो ये आ जाएगा 39.5 अपॉन 60.5। सो यहां से अगर x की वैल्यू सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 12.5 इंटू 39.5 अपॉन 60.5। सो ये आ जाएगा नियरली 8.2 ओम। सो ये x की वैल्यू आ गई हमारी, जो ये रेजिस्टेंस है। अब इसने क्या कहा है, वाई आर द कनेक्शंस बिटवीन द रेजिस्टर्स इन ए व्हीटस्टोन और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर वायर। सो जो ये स्ट्रिप मैंने बनाई है, ये थिक कॉपर वायर की स्ट्रिप होती है, थिक कॉपर वायर की स्ट्रिप। सो जितना पॉसिबल हो क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ज्यादा लेते हैं हम। अब इससे क्या होगा, वही पूछा इसने। सो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ये ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। सो सर्किट में हम जब सोल्व करते हैं इस बैलेंस कंडीशन के लिए, जो ये रेजिस्टेंस है और ये वायर है, इन सभी का रेजिस्टेंस लेते हैं हम, ना कि इन कॉपर स्ट्रिप का। अगर कॉपर स्ट्रिप थिन होगी तो रेजिस्टेंस उनका भी आ जाएगा सर्किट में, फिर कैलकुलेशन कोई डिफरेंट होगी। इसका रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करने के लिए हमें इनका रेजिस्टेंस कम करना होगा। रेजिस्टेंस कम कब होगा, जब इनका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा या ये कॉपर स्ट्रिप थिक होगी। क्यों लेते हैं हम थिक कॉपर स्ट्रिप, वी टेक थिक कॉपर स्ट्रिप्स टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स सो दैट इट इज नेग्लिजिबल। In comparison to other resistors connected, so that जो बैलेंस कंडीशन है या जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया उसमें कोई एरर ना आए, सो दैट द फॉर्मूला डिराइव्ड इज नॉट डिस्टर्ब्ड या चेंज्ड एप्रिसिएबली। ओके, सो इसलिए लेते हैं। अब हम देख लेते हैं सेकंड पार्ट, बी पार्ट में क्या कहा इसने। डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज्ड। सो एक्स इधर ले जाए और वाई इधर ले जाए। जो ये बैलेंस पॉइंट होता है इधर से 39.5 पे है, तो अब उधर से हो जाएगा 39.5 पे। ये होता है जी सेकंड पार्ट में, अगर ये कहे। सो एक्स को उधर ले गए, ये डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स इधर वाई इधर। बैलेंस पॉइंट जो है ये यहां पर है डी, ये वायर है हमारे पास इस तरह से। पहले 39.5 था, अब इधर से हो जाएगा 39.5। चलो उसको प्रूफ भी कर लेते हैं।
सपोज इधर से अब x हो गया नया, सो इधर से कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स। ओके सो अब क्या हो जाएगी बैलेंस कंडीशन, y अपॉन x इक्वल टू x अपॉन 100 माइनस x, ये कैपिटल x है रेजिस्टेंस और ये स्मॉल x है लेंथ। ओके अब पहले क्या थी बैलेंस कंडीशन, x अपॉन y इक्वल टू l अपॉन 100 माइनस l, सो पहले कंडीशन थी x अपॉन y इक्वल टू l अपॉन 100 माइनस l। इन दोनों को जरा देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड में y बाई एक्स है, उसमें x बाई वाई है, तो इसको यहाँ पर पुट कर लो, सो ये हो जाएगा 100 माइनस l अपॉन l इक्वल टू x अपॉन 100 माइनस x। सो 100 माइनस x की जगह क्या है l, सो यहाँ से आ जाएगा 100 माइनस x इक्वल टू l, या यहाँ पर चेक कर सकते हो आप 100 माइनस x की जगह क्या है l, तो l की जगह 100 माइनस x रखेंगे तो वही आ जाएगा। सो ये कंडीशन है, सो l कितना था 39.5, सो 100 माइनस एक्स 39.5, तो अब राइट साइड से 39.5 आ जाएगा। ओके सो ए टर्मिनल की बजाय अब जो दूसरा टर्मिनल है, दूसरा एंड है वायर का, उससे 39.5। सो अगर इनको इंटरचेंज करते हैं तो बैलेंस पॉइंट लेफ्ट की बजाय राइट साइड से उतने ही डिस्टेंस पर हो जाता है। सो बैलेंस पॉइंट विल बी एट 39.5 सेंटीमीटर बट फ्रॉम कौन सा पॉइंट, सी रादर देन ए। ओके अब सी पार्ट, व्हाट हैपन्स इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज्ड एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज। सो ये गैल्वेनोमीटर है और ये सेल है, सो इन दोनों को अगर इंटरचेंज कर दे, सेल को यहां पर लगा दे और गैल्वेनोमीटर को यहां पर लगा दे, सो बैलेंस कंडीशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो बैलेंस कंडीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर गैल्वेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज कर देते हैं, तो इसका सर्किट डायग्राम हम बना के देख सकते हैं, बना लेते हैं जी। चलो ये है हमारा व्हीटस्टोन, मीटर ब्रिज क्या व्हीटस्टोन ही तो है, सो यहां पर गैल्वेनोमीटर होता है ये, और यहां पर है ये बैटरी। सपोज ये रेजिस्टेंस R1, ये R2, ये R3 और ये R4 इस तरह से है। सो अगर गैल्वेनोमीटर और बैटरी इंटरचेंज कर देते हैं हम, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा जरा देख लेते हैं, फिर भी बैलेंस कंडीशन ऐसी ही रहेगी क्या। सो मैंने क्या किया, यहां पर बैटरी लगा दी और यहां पर लगा दिया गैल्वेनोमीटर, ये R1, R2, R3, R4। अब जरा इस सर्किट डायग्राम को दोबारा बनाने की कोशिश करो, मतलब इस बैटरी को यहां ले आओ, ये टर्मिनल ले लेते हैं ए बी सी डी। सो टर्मिनल बी और डी के बीच में है बैटरी, सो ये बी है और ये डी है, सो ऐसे बनाए थे ये बी और ये ले लेते हैं डी। ओके सो बी और डी के बीच में बैटरी होगी, और ए और सी के बीच में क्या है गैल्वेनोमीटर, ए से बी जुड़ा हुआ है आर वन, ये टर्मिनल ए ले लो, ए से बी आर वन है, ए से डी आर थ्री, सो ए से डी आर थ्री, बी से सी आर टू और डी से सी आर फोर, सो ए और सी के बीच में क्या है गैल्वेनोमीटर। ओके सो ये इसी टाइप का बन गया। अब इसमें देखो बैलेंस कंडीशन क्या है, इस केस में क्या है आर वन बाई आर टू इक्वल टू आर थ्री बाई आर फोर। अगर बैलेंस कंडीशन डिस्टर्ब ना हो तो ये रेशो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, जरा चेक करो इसमें क्या होना चाहिए, आर वन बाई आर थ्री इक्वल टू आर टू बाई आर फोर, या आर टू इधर ले जाओ आर फोर उधर ले जाओ, आर टू इधर ले जाओ आर थ्री उधर ले जाओ, सो आर वन बाई आर टू इक्वल टू आर थ्री बाई आर फोर। सो जो बैलेंस कंडीशन इसके लिए है वही बैलेंस कंडीशन इसके लिए है, इसका मतलब ये, सो इसके लिए भी बैलेंस कंडीशन वही है और इसके लिए भी बैलेंस कंडीशन वही है। सो गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सो यह आप लिख लेंगे नो इफेक्ट ऑन द बैलेंस कंडीशन ऑन इंटरचेंजिंग द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो ही रहेगी अगर गैल्वेनोमीटर को बैटरी की जगह और बैटरी को गैल्वेनोमीटर की जगह हम कनेक्ट कर दे तो। अब इसमें ये और कहा है वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट, सो कोई करंट शो नहीं करेगा क्योंकि बैलेंस कंडीशन ही है।